है वो दबा दिया गया है जो एलजी साहब ने इस पर कमेटी बिठाई है 12 दिसंबर 2022 में। अनफॉर्चुनेटली एक महीने के लिए उसको टाइम दिया, आज 8 महीने भी गुजर गए लेकिन अभी तक रिपोर्ट का अता पता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे इंसाफ होना चाहिए। करीबन हमने 2020 से लेकर आज तक 1500 प्रोटेस्ट किया है लेकिन बदकिस्मती है कि कोई हमारी आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात गवर्नर साहब तक पहुंचाना चाहते हैं। गवर्नर साहब हमें इंसाफ दीजिए। आप गवर्नर साहब आप कह रहे हैं कि हमने स्मार्ट सिटी दी है, स्मार्ट सिटी से जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, इससे खत्म नहीं हो जाएगी, इससे बढ़ जाएगी। स्मार्ट सिटी बनाओ या कुछ बनाओ, इससे हमें जम्मू कश्मीर का जो यूथ है से कोई लेन देन नहीं है। हम अपना जस्टिस मांग रहे हैं, हमें अपना जस्टिस दे दो। अगर हम एलजी साहब से हम 2 बार मिले हैं श्रीनगर के अंदर, जम्मू राजभवन के अंदर, और उसने कहा कि आप लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है, आने वाले समय में आपको इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन अभी कमेटी करके आ रही है, उनको पता है इसमें बड़े बड़े लोग मुलविस है, इसमें बड़े बड़े चोर मुलविस है। हम तो इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। भाजपा के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अभिनव शर्मा उसने कहा एलजी के सामने कि यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इनके साथ जुल्म हुआ, इनको इंसाफ दीजिए। भाजपा के प्रेसिडेंट रविंदर रैना, यूटी के प्रेसिडेंट, मैं उससे 1000 बार मिला हूं, उसने कहा कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए, आप लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर का कदावर नेना माना जाता है गुलाम नबी आजाद साहब, उसने भी खुलासा किया बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जितने भी रीजनल पार्टी उन्हें ट्वीट किया अपने हैंडल से, लेकिन बीजेपी ये सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर बीजेपी की मरकज में सरकार है, फुल मेजोरिटी के साथ उनकी सरकार है, अगर वो आज नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर मसला हल, तो जब उनकी सरकार सेंटर में नहीं होगी तो उसके बाद वो कर सकती है? आज सारा कुछ बीजेपी के हाथ में, बीजेपी चाहे तो कुछ भी कर सकती है लेकिन कुछ नहीं कर सकती है। हम चाहते हैं कि हमारे इंसाफ होना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से यह बात एलजी साहब तक पहुंचाना चाहती है, 3 मेंबर कमेटी तक, और चीफ अरुण मेहता साहब तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं। हम प्रेस काली बार बार आते हैं, बार बार यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे जेब से पैसे भी खर्च हुए, हम ब्यूरोक्रेट के बच्चे नहीं है, हम गरीब माँ बाप के बच्चे हैं। हम पहले सुबह अपने माँ बाप से किराया लेते हैं, फिर यहाँ प्रेस कॉलोनी प्रोटेस्ट करने के लिए आते हैं। हम लास्ट पे एलजी साहब को मोदी बना गुजारिश करते हैं, एलजी साहब हमें इंसाफ दीजिए, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दीजिए। अगर नहीं है तो हम प्रोटेस्ट पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट होगा।